नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम कंपनी के अंदर आई लेटेस्ट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब ओपनिंग के बारे में। पर दोस्तों, यहां पे आपको वैसे तो बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रहे हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लिए आपको फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रहे हैं। पर दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब भी मिल रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही तगड़ी गाइस ये जॉब की अपडेट है। तो यहाँ पे जिसको भी ऑफिस जॉब करना है उनके लिए बहुत सारे ऑफिस जॉब भी है, पर जिसको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब करना है उनके लिए भी बहुत सारे, मतलब एचआर की जॉब है, सेल्स की जॉब है, यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल जॉब है, कंटेंट राइटर की जॉब है, ऐसे उनको बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल रही है। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलने वाले हैं। सो बहुत दोस्तों इंटरेस्टिंग आज की जॉब की अपडेट होने वाली। और बेस्ट पार्ट दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर आप पेटीएम में सेलेक्ट होते तो यहाँ पे टॉप क्लास की आपको पर्क बेनिफिट मिलने वाली है। लैपटॉप कंपनी आपको देती है, वाईफाई का रिइंबर्समेंट है, आपकी फैमिली का, आपका इंश्योरेंस है, तो सारी टॉप क्लास एमएनसी कंपनी के जो बेनिफिट पर्क होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो गाइस, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ऑफिस जॉब भी है, 12th पास है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, फ्रेशर है, सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और पूरे भारत में आप किसी भी लोकेशन से, किसी भी गांव शहर से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को आप सारे डिटेल में एंड तक देख लेना। लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर आपको ऐसे लेटेस्ट रिमोट जॉब की अपडेट चाहिए, यू आर ऑन द बेस्ट चैनल इन इंडिया। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और आपको ऐसे और भी अपडेट चाहिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं बेसिकली मैं यहाँ पे पेटीएम के जॉब की अपडेट पे आ गया गाइस। एक तो अपडेट ये है बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न की, जो कि 10 घंटे पहले ही है। पर उससे पहले दोस्तों, हम यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बेसिकली इनके मेन जॉब पेज पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे गाइस, आप अगर फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑन साइट की, एक हाइब्रिड, एक रिमोट की। तो पहले हम रिमोट वाले ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों रिमोट जॉब आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारे रिमोट जॉब मिल रहे हैं, एक दो नहीं। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ रिमोट जॉब्स है ये टेक्निकल प्रोफाइल के लिए, ऑल्दो नॉन टेक्निकल के लिए भी, लेकिन जो ज्यादा अपडेट है वो बीटेक वालों के लिए, बी वालों के लिए, डेटा साइंस वालों के लिए, और जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे जॉब के अपडेट आप देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे इंटर्न जॉब भी है। तो जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के मेरे भाई बहन है वो यहाँ से देख करके अपने हिसाब से, जो भी बैकएंड में जाना उनको, जहां पे भी करना, डेटा इंजीनियर में करना है, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारी ओपनिंग होने वाली है और ये कंप्लीट आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब ही ओपनिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों डिटेल जो कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हाइब्रिड भी कर सकते हैं। तो अगर आप हाइब्रिड करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम ऑफिस दोनों मिल जाएगा। जैसे कि आप मुंबई लोकेशन के लिए कोई हाइब्रिड जॉब है तो उस केस में आप मुंबई में घर से भी काम कर सकते हैं। और अगर आपका मन कर रहा है ऑफिस जाने का, भी घर से बोर हो गए हैं, आप ऑफिस भी निकल सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाइब्रिड। एंड पर्सनली मुझे हाइब्रिड बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं इस हाइब्रिड में भी बहुत सारे आपको ओपनिंग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे आपको देख सकते हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट का जॉब है जो कि फ्रेशर्स के लिए, तो आप देख सकते हैं मैंने ओपन भी ऑलरेडी कर रखा है। तो ये मुंबई लोकेशन का, जो कि आप देख सकते हैं क्लाइंट मैनेजमेंट का, तो जो भी फ्रेशर्स भाई बहन मेरे हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ये बस यहाँ पे मुंबई लोकेशन सेटल होना पड़ेगा। ये मैं हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, रिमोट जॉब की आगे हम बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम ऑफिस जॉब की बात कर ले तो यहाँ पे आपको ऑन साइट पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑफिस जॉब मिल रहे हैं, भर भर के ऑफिस जॉब है। और यहाँ पे आप लोकेशन में फिल्टर लगा सकते हैं, तो जो भी लोकेशन आपके आसपास का है, जैसे कि आप गुड़गांव से, मान लीजिए गुड़गांव दिल्ली से बिलोंग करते हैं, गुड़गांव दिल्ली कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़गांव के लिए कोई जॉब फिलहाल नहीं है, तो आप यहाँ पे दिल्ली एनसीआर कर सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर करने पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको जॉब ओपनिंग मिल रही है। तो यहाँ पे इनसाइड सेल्स की जॉब है, यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस की जॉब है, तो कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस है, कुछ फ्रेशर्स का। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी लोकेशन आपका है वो लगा करके आप दे सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे वर्क टाइप में भी आप चाहें तो यहाँ पे इंटर्न चाहिए आपको वो भी सर्च कर सकते हैं। और टीम में भी आप जो भी टीम के अंदर जॉब करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों आपका डिटेल हो गया, जो कि आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो मैंने सेलेक्ट कर रखी प्रोफाइल उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब के अंदर आती है वो आपकी होने वाली है बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न के अंदर। दोस्तों 10 घंटे पहले ओपनिंग आई है, बिल्कुल लेटेस्ट जॉब होने वाली है। यहाँ पे गाइस देखो, सैलरी पैकेज ऑल दोनों ने मेंशन नहीं करा है, पर आप यहाँ पे 15,000 से 20,000 रुपए की स्टाइपेंड आप यहाँ पे मान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से 3 महीने की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। और अगर आप काम अच्छा करते हैं, आप ये मान सकते हैं कि ये 2 से 3 महीने का ये आपके लिए ट्रेनिंग पीरियड है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं ट्रेनिंग के दौरान,
दो महीने बाद आप यहाँ पे पेटीएम जैसे टॉप क्लास कंपनी में फुल टाइम रिमोट जॉब कर सकते हैं, जहां पे आप 35,000 से 40,000 रुपए तक आप यहाँ पे इनहैंड के सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो महीने ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे 35,000 से 40,000 रुपए सैलरी आपको मिल जाएगी। और बीडीए का प्रोफाइल है तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी इंसेंटिव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप महीने 50,000 से 60,000 रुपए तक यहाँ पे सैलरी पैकेज आपको मिल सकती है। दोस्तों देखो, जॉब रोल की बात कर ले यहाँ पे, तो आपका काम ये होने वाला, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी क्लाइंट है उनके साथ आपको एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और साथ साथ यहाँ पे जो भी पेमेंट वगैरह करना है वो सब इनिशिएट करना है, उसका ट्रैक रखना है, एक तो काम आपका ये होने वाला। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होने वाले सारे स्मॉल मीडियम के जो भी स्केल के ऑर्गेनाइजर हैं उनके आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होने वाले हैं, और साथ साथ उनके अकाउंट को और डॉक्यूमेंट को आपको कंप्लीट मैनेज करना, ये भी काम आपको होने वाला है। तो यहाँ का देखो आपका जो काम है ये कस्टमर सपोर्ट का और सेल्स का, मतलब आप ये मत सोचना कि दिन भर कॉल ऑल करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी डिसेंट आपकी ये प्रोफाइल रहने वाली, तो यहाँ पे आपके अंडर में जो भी क्लाइंट्स है उनको आपको उनके अकाउंट्स का देखभाल करना है, पेमेंट निकलवानी, यहाँ पे जो भी कंसर्न आ रहे वो सॉल्व करनी है, ये सारा काफी डिसेंट यहाँ प्रोफाइल होगा। तो आप लोग ये मत समझना कि सेल्स वाला काम है, कॉलिंग वाला काम नहीं है, बिल्कुल डिसेंट प्रोफाइल है, सारे अप्लाई कर देना। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप 12वीं पास है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मोस्टली ग्रेजुएट को प्रेफर करेंगे पर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रांग, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक एचआर इंटर्न की भी जॉब मिल रही है, देख सकते हैं। तो अगर आपको एचआर इंटर्न में जॉब करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए सैलरी पैकेज आप 15-20 हज़ार एक दो 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 तीन महीने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका इंटर्नशिप का टाइम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे भी आप 30-35 हज़ार रुपए तक आप यहाँ भी इन हैंड सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइस देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्या है, ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए, यहाँ पे आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो एचआर का जो आपका स्किल है वो स्ट्रांग आपको होना चाहिए, एचआर में आपको आपको इंटरेस्ट हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और रिक्रूटमेंट के बारे में, ये सब आपके अंदर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रोल में गाइस आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे जो भी ओपनिंग्स आ रही कंपनी के अंदर वो आपको यहाँ पे पोस्ट डाल दी है लिंक्डइन पे, नौकरी पे या इनके करियर पेज पे, वहां से आपको सॉर्ट आउट शॉर्टलिस्ट करनी है, इंटरव्यू करवाना, ये सारा कंप्लीट एचआर वाला काम आपका होने वाला है यहाँ पे, ये सब काम यहाँ पे। और गाइस देखो यहाँ पे इसके अलावा अप्लाई कैसे करना लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा आपको क्लाइंट मैनेजमेंट की ऑलरेडी बात कर ली, यहाँ पे एक कंटेंट राइटर का, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपने कॉपी राइटिंग वगैरह में कंटेंट राइटिंग में 2-3 साल काम कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेन खजाना यहाँ पे भरा पड़ा है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे जॉब मिलने वाले हैं। तो आपका जो भी एजुकेशन है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आप उस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन आपको जॉब के अपडेट यहाँ मिलने वाले, तो अपने लोकेशन के हिसाब से जो भी आपका लोकेशन है वो उस हिसाब से आप यहाँ सर्च कर सकते हैं और आपको बहुत सारे जॉब के अपडेट यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये सब दोस्तों डिटेल होने वाला, कैसे अप्लाई करना उसकी बात करें तो आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है, बेसिक से डिटेल वो फिल करना है यहाँ पे, आपका नाम है, ईमेल आईडी, फोन नंबर है, करेंट कंपनी है वो, अगर नहीं है तो यहाँ पे NA या फिर आप फ्रेशर्स डाल सकते हैं। लिंक्डइन का दोस्तों URL आप कॉपी पेस्ट कर देना, लिंक्डइन का प्रोफाइल पे जाकर के आपके प्रोफाइल का जो ऊपर URL आएगा उसको कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, इन दो को छोड़ सकते हैं आप। नीचे आपको कवर लेटर डालना है, ये स्ट्रांगली डालना दोस्तों यहाँ पे, ये करना है, और ऊपर आपका CV को अटैच करके आपको सबमिट कर देना है। तो ये दोस्तों स्टेप है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने का, सारे अप्लाई स्मार्टली यहाँ पे कर लेना। सो गाइस ये थी पेटीएम की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट, आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल कोई डाउट क्वेरी आपका बच गया है कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और आप इस जॉब को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, जिनको भी जॉब की नीड है। अब दोस्तों आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी और शानदार अपडेट से, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।